क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दुनिया भर में अहिंसा पर ट्रेनिंग्स दी हैं। तो मेरा प्रारंभिक एजुकेशन हुआ बाल मंदिर से लेके ऐसा एजुकेशन हुआ तो एक सर्वोदया गांधीयन एटमॉस्फेयर में हुआ, और जहाँ सर्वधर्म प्रार्थना रोज होता है, श्रमदान रोज होता है, कम्युनिटी लाइफ रोज होता है, और जाति धर्म का कोई फर्क नहीं है, सब लोग भाई बहन हैं। तो एक प्रकार वो जो लाइफ शुरू से गांधी के नज़दीक ले आए, गांधी और गांधीयन वे ऑफ लिविंग उसके नज़दीक आए। कथकली सीखते सीखते दी गुड एंड इविल वाला जो आइडिया है वो गहराई में अंदर आया। देन यू नीड टू प्रमोट द गुड एंड यू नीड टू रियली फाइट द इविल विद इन यू आउटसाइड। सो मच टेरर कि कोई मूव नहीं कर सकते थे। 5 बजे के बाद सब दरवाजे बंद हो जाता था, किडनैपिंग, किलिंग, काउंटर किलिंग। पर फिर वहाँ आश्रम शुरू किए, तो वहाँ है शुरुआत जहाँ मैं प्रैक्टिकली जहाँ नॉन वायलेंस को करने लगा और सीखने लगा करने लगा। वो तो जोरा है, चंबल घाटी का एक गांव, बहुत ही छोटा गांव। एक दिन रात को डाकू आए, हाथ पैर बांधे, पूरी तरह पीटा, मारा, वार्निंग दिया कि भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मार देंगे वगैरह। तो दैट्स हाउ द एक्सपीरियंस बिगैन कि रियली फेसिंग वायलेंस एंड स्टिल नॉट वांटिंग टू रन अवे। एंड 1972 14 अप्रैल पहला सरेंडर हुआ, तो देन द आश्रम केम इन टू द लाइमलाइट। तो ये सबके सरेंडर के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला, द होल डायलॉग प्रोसेस। सी इतने खूंखार लोगों से कैसे डायलॉग करूँ, जंगल में जाना, 3 बजे डायलॉग करना और उनको विश्वास में लेना। समर्पण हुआ, समर्पण के बाद जो इंटरेस्टिंग मामला था कि पूरा रिकंसिलेशन का मामला, कि जब डाकू अंदर चले गए, दुश्मन तो बाहर है, मौका मिलते ही मारने को तैयार है। विक्टिम्स के फैमिलीज़ को भी रिहैबिलिटेशन सपोर्ट देने की बात, कि इट इज़ नॉट ओनली द डकैट्स हु शुड रिसीव सपोर्ट फॉर रिहैबिलिटेशन सपोर्ट बट आल्सो द विक्टिम्स। ये लोगों को थोड़ा ठीक लगा, राइट। और पूरा एक रिकन्सिलेशन प्रोसेस चला। अब अफ्रीका के रिकन्सिलेशन प्रोसेस सब लोग सुन रहा है, साउथ अफ्रीका का, चंबल घाटी का कोई नहीं सुन रहा। लेकिन इनडायरेक्ट वायलेंस डायरेक्ट वायलेंस की जननी है। एन अनजस्ट सोसाइटी विल प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ वायलेंस, क्योंकि जब आप डाकुओं से बात करते हैं तो भी वो ही कहता है, मेरे माँ बहन के साथ छेड़छाड़ हुई, मेरे जमीन दबा के रखा। सो स्लोली यू रियलाइज दिस वायलेंस वॉज अ रिएक्शन टू दैट काइंड ऑफ ए वायलेंस। एक बात ये समझ में आ गया कि हर व्यक्ति के डिफरेंट साइड है, तो वायलेंट हो सकता है लेकिन वायलेंट होने के बावजूद भी उनका एक साइड है जिसको आप टच करें तो यू कैन टर्न पीपल इनटू नॉन वायलेंस। उनके एक सिस्टमैटिक प्रयास है कि युवाओं को अपने पास अपने तरफ आकर्षित करें, क्योंकि मसल पावर अच्छा है और दादागिरी ठीक है और हिंसा सही है, इस पर विश्वास अगर कहीं कदम हो जाए तो देन दे आर गॉन। और अहिंसा के लिए कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई उसको प्रमोशन करने वाला नहीं है, कोई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई उसके लिए मिनिस्ट्री नहीं है। तो दिस इज़ रियली ट्रेजेडी आई टेल यू। भारत जैसे देश में भी जहाँ अशोका, बुद्धा और महावीर और महात्मा गांधी है, वहाँ भी वी डोंट फील द नीड फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑन नॉन वायलेंस। अभी मैं आर्मेनिया गया तो they are doing research on roots of violence and roots of non-violence. From a peace education point of view, from a Gram Swaraj point of view, from a Sufism point of view, you have a lot to connect with Iran. And I think in the coming years, one important effort that we should make is to connect with Iran, because people really need peace. You know, every place where we went, they said, look, as we all know, state may behave differently than people. Like in India, we have a people-to-people process between Pakistan and India. State may come, or state may not come at the moment. They will come much later. But today, there is a real effort from Iranian people to build peace and also to project them as people who love non-violence, love peace. So how do we help that process? In the Middle East is a very important challenge. A new direction has come, and I think that direction is
more about non-violence, you know, a violent world order. So I think there's a lot to learn from this COVID-19 reality and redirect our world into a more non-violent order. Organizing the Shram Shakti of India, to my mind, is very important, and application of non-violence in this large Shram Shakti mobilization, and through this Shram Shakti mobilization, putting pressure on the government not to go back to business as usual and to redirect the policies.